ट्रैवल गाइड देखने वाले तमाम मजेज नाज़रीन को ट्रैवल गाइड पर खुश आमदीद। दोस्तों आज हम बात करेंगे साउथ एशिया की एक कंट्री श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका का पूरा नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। श्रीलंका जनूबी एशिया का एक जजीरा नुमा मुल्क है जो बहरे हिंद में वाक़ है। वो अपनी शक्ल और मकाम की वजह से बहरे हिंद का आंसू कतरा यानी कि दी टीयर ऑफ इंडियन ओशन भी कहा जाता है। श्रीलंका का दारुल हुकूमत श्री जयवर्धने कोरे कोटे है। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कोलंबो है और कोलंबो श्रीलंका का पुराना दारुल हुकूमत भी है और श्रीलंका के तजारत का सबसे बड़ा मरकज भी है। श्रीलंका के मेलेवकू और गैरी बंदरगाहों ने मुतद्दिद मुवालिक के ताजरों को अपनी तरफ रागब किया जिसकी वजह से श्रीलंका की आबादी में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ। लेकिन बड़े सियासी बहरान के दौर में पुर्तगाली जिनकी श्रीलंका में आमद बड़ी हद तक हादसाती थी, पुर्तगालियों ने जजीरे के समुद्री इलाकों और इसके मुनाफा बख्श बैरूनी तजारत पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन पुर्तगाली अमलाक को बाद में डिचू ने अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद अंग्रेजों ने डिच माल पर अपना कब्जा कर लिया और अंग्रेजों ने 1815 से लेकर 1948 तक इस जजीरे पर हुकूमत की। 1948 के शुरू में ही श्रीलंका ने अंग्रेजों से छुटकारा हासिल कर लिया और श्रीलंका एक जमहूरी रियासत बन गया। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था लेकिन 1972 में श्रीलंका के नाम सिलोन को तब्दील करके श्रीलंका रखा गया। लेकिन इसके बाद श्रीलंका में खाना जंगी ख़त्म न हुई और मौजूदा आइन के मसल्ला फाज ने सन 2009 में तमिल टाइगर्स को शिकस्त दी जिसके बाद श्रीलंका मुकम्मल तौर पर जमहूरी रियासत बना। श्रीलंका की कुल आबादी 2,14,00,000 के करीब है और अपनी आबादी के लिहाज से श्रीलंका दुनिया का 58वां बड़ा मुल्क है। श्रीलंका में सबसे ज़्यादा आबादी बुद्ध मत मज़हब की है जो पूरे श्रीलंका में तकरीबन 70% हैं। श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा मज़हब हिंदू मज़हब है। वैसे तो श्रीलंका में काफ़ी ज़ुबानें बोली जाती हैं लेकिन तमिल और सेलोन श्रीलंका की सरकारी ज़ुबानें हैं। श्रीलंका का कुल रकबा 65,610 मुरबा किलोमीटर है लेकिन श्रीलंका की खूबसूरती इसके रकबे से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। श्रीलंका की अहम बात यह भी है कि श्रीलंका 92% लिटरेसी रेट के साथ जनूबी एशिया में तालीम के हवाले से पहले नंबर पर है। लेकिन उससे भी बड़ी हैरानगी की बात यह है कि श्रीलंका में सिर्फ 11 यूनिवर्सिटीज हैं। एक वक्त था जब श्रीलंका को हाथियों का मुल्क कहा जाता था लेकिन अभी हाथियों की तादाद सिर्फ 6,000 से 7,000 तक महदूद रह गई है। श्रीलंका का कौमी खेल वॉलीबॉल है लेकिन श्रीलंका में वॉलीबॉल बहुत कम ही खेला जाता है। श्रीलंका के पास एक एजाज़ ये भी है कि श्रीलंका दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसकी पहली प्राइम मिनिस्टर एक खातून थी। दोस्तों श्रीलंका में लोग चावल बहुत पसंद करते हैं, यही वजह है कि लोग तीनों टाइम चावल ही खाते हैं। श्रीलंका के लोगों की पसंदीदा खुराक चावल और कड़ी है। श्रीलंका में नारियल के दरख्त हर तरफ हैं लेकिन श्रीलंका के नारियल की खास बात यह है कि ये दूसरे ममालिक के नारियल से बड़े होते हैं, यानी कि किसी भी मुल्क के नारियल से ये 30 से 35% साइज में बड़े होते हैं। श्रीलंका में सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो श्रीलंका के सबसे बड़े शहर कोलंबो में वाक़ है। श्रीलंका में सबसे ज़्यादा कारोबार चाय का ही किया जाता है। श्रीलंका इंडिया चाइना और कीनिया के बाद सबसे ज़्यादा चाय प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है। दोस्तों आपने लिप्टन चाय का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, लिप्टन चाय भी श्रीलंका की ही मलकियत है जिसका आगाज 1890 में किया गया। श्रीलंका में क्रिकेट को सबसे ज़्यादा खेला और देखा जाता है। श्रीलंका का कौमी जानवर शेर है और शेर ही आपको श्रीलंका के झंडे पर नजर आएगा। तो श्रीलंका में एक ऐसी पहाड़ी भी मौजूद है जो मुसलमानों के लिए काफ़ी अहमियत रखती है। इस पहाड़ी पर एक बड़े पांव का निशान है। मुसलमानों का कहना है और ये मानना है कि ये निशान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का निशान है जब उन्हें जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया। लेकिन बुत मत के लोग इसे बुद्धा के पांव का निशान कहते हैं और हिंदू इसे
शिवा के पांव का निशान कहते हैं। दोस्तों श्रीलंका एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन श्रीलंका अपनी खूबसूरती की वजह से काफी मशहूर है। जहां हर साल लाखों लोग दूसरे ममालिक से आते हैं और श्रीलंका की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज होते हैं। श्रीलंका के लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं और साथ ही इस मुल्क की खूबसूरती और सफाई इस मुल्क की पहचान है। कहा जाता है कि समुंदर की लहरें और ठंडी ठंडी हवा इस मुल्क की शाम को एशिया की सबसे खूबसूरत शाम बना देती है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।